Hey guys, welcome back to another video. तो दोस्तों साउथ के साथ ही बॉलीवुड में भी अपने टैलेंट का दम दिखा चुकी अदा शर्मा ने अच्छी संख्या में फैन फॉलोइंग बनाई है। एक्ट्रेस को अधिकतर वो फिल्में करते हुए देखा गया है जिसमें किसी न किसी मुद्दे को उठाया गया है। उनकी तमाम फिल्मों में बस्तर मूवी भी शामिल है जिसका OTT रिलीज डेट फाइनल हो चुकी है। दोस्तों बॉलीवुड में कम लेकिन धमाकेदार काम करने वाले एक्ट्रेस अदा शर्मा अपने फैंस के बीच कमाल की अदाकारी को लेकर फेमस है। हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में उन्होंने 1920 मूवी से ही तहलका मचा दिया था। इसके बाद द केरा स्टोरी और बस्तर द नक्सल स्टोरी में पावरफुल परफॉर्मेंस देकर एक बार फिर उन्होंने लोगों का दिल जीत लिया। सुदीप्तो सेन के डायरेक्शन में बनी बस्तर द नक्सल स्टोरी ने बॉक्स ऑफिस पर धीमी शुरुआत की थी लेकिन उनकी परफॉर्मेंस को काफ़ी पसंद किया गया। द केरा स्टोरी में जबरन धर्म परिवर्तन के खिलाफ आवाज़ उठाने के बाद अदा शर्मा ने बस्तर में ऐसे पुलिस ऑफिसर का रोल किया था जिसे अपनी ही सरकार से मदद नहीं मिलती। अगर आप अदा शर्मा के फैन हैं और उनकी ये मूवी को थिएटर में देखने से चूक गए हैं तो इसे OTT पर देखने का सुनहरा मौका है। दोस्तों बस्तर द नक्सल स्टोरी फिल्म को विपुल शाह के प्रोडक्शन में बनाया गया है। ये मूवी माओवादियों के अत्याचार को दिखाती है। टिकट विंडो पर फिल्म को एवरेज रिस्पॉन्स मिला लेकिन अगर आप इस तरह की ड्रामा मूवी देखने के शौकीन हैं तो इसे Zee5 पर देख सकते हैं। नक्सलवाद को जड़ से मिटाने IPS नीरजा माधवन अदा शर्मा 17 मई को OTT पर दस्तक देगी। बस्तर फिल्म इस साल 15 मार्च को रिलीज हुई थी। फिल्म में अदा शर्मा के अलावा इंदिरा तिवारी, रायमा सिंह सहित अन्य कलाकार भी थे। फिल्म हिंदी और तेलुगु में भी रिलीज होगी।